अच्छा था जो करके ये जानकारी आप पहले क्या व्यापार किसे कहते हैं? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या वस्तुओं को लेन देन करना, उसे क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं, यानी वस्तुओं को बेचना या वस्तुओं को लेना। बराबर है, वस्तुओं को बेचना या वस्तुओं को लेना उसे व्यापार कहते हैं। लेकिन व्यापार के जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार है, आपको पता है। जैसे कि हम आज अपने आवश्यकता के अनुसार कहीं वस्तुओं को बाजार से, दुकान से या कहीं मॉल से हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। बराबर है, और कहीं वस्तुओं को हम क्या करते हैं, जैसे कि कहीं लोग जो किसान है, जो बड़े व्यापारी होते हैं, वो वस्तुओं को क्या करते हैं, बेचते हैं। उसी प्रकार जो व्यापार है, व्यापार का व्यापार होता रहता है। तो हमें ये भी पता है कि जो हमें वस्तुओं की आवश्यकता है, उस वस्तुओं को क्या करते हैं, हम दुकान में जाकर, बाजार में जाकर, मॉल्स में जाकर हम खरीदते हैं। और अधिकांश जो विक्रेता है स्वयं किसी भी माल अथवा वस्तुओं को उत्पादित नहीं करता है। बराबर है, सारी चीजें हम घर पे नहीं कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। लेकिन ये खरीदने के कैसे है, उसके कैसे खरीदते हैं, देखिए सभी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार नहीं होती। सभी जो चीजें है ये अपने आसपास में तैयार नहीं होता है, कहीं चीजें क्या है, अन्य जगह में, दुरुस्त यानी दूर जगह में। जैसे कि अपने देश में भी कहीं कहीं चीजें उत्पादन नहीं होता है, हम दूसरे देश से क्या करते लेते हैं। बराबर है, कहीं चीजें अपने देश में तैयार होता है, उसको दूसरे देश में क्या करते हम बेचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सभी जो चीजें है, वस्तु है, या अपने परिसर में तैयार नहीं होते हैं, उसको क्या करते हम दूरस्थ स्थानों पर तैयार होते उसे लाते हैं, दूसरे जगह पर। और वो कैसे लाते हैं, हम अपना ठीक है, उसे क्या करें, थोक बाजार के अंदर। वो कहाँ आ जाता है, एक ऐसा बाजार समिति है, कारखानदारी है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, ये जो ऐसी जो जैसे कि मॉल है, इस जगह क्या होता है, वो जो माल पूरी तरह से वो वस्तुएं आते हैं, और उसको बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो आपने जो अन्य जो चिल्लर विक्रेता है, वो उनको बेचते हैं, और वो जो चिल्लर विक्रेता है वो हमें क्या करता है, देता है, यानी हम उन इससे लाते हैं, वो जो चिल्लर विक्रेता होता है उसे लाते। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सारी चीजें अपने यहाँ तैयार नहीं होती। बराबर है, वो हम क्या करते हैं, दूसरे जगह से तैयार होने के बाद उसको जो बड़े मॉल बिजनेसमैन होता है, या बाजार समिति होती है, या कहीं केंद्र होते हैं वस्तु बेचने के, वहाँ वो लाते हैं। और उससे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो छोटे छोटे दुकानदार क्या करता है, वहां से वो माल लाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, चिल्लर विक्रेता। बात समझ में आ गई?
पहले क्या होता है, दूसरे जगह से दूर से वस्तुओं को लाते, कौन लाते हैं, बड़े स्मॉल वाले लाते हैं, बाजार समिति या लाते हैं, या अनेक प्रकार के जो व्यवसाय करने वाले जो केंद्र होते हैं, वो केंद्र वहाँ वो लोग उसको लाते हैं। और बाद में वो लोग जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो लाकर अपना दुकान में रखते हैं, और उसी दुकान से हम क्या करते हैं, लाते हैं, यानी इसे कहते हैं व्यापार, बराबर है। वो व्यापार का हम तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में विविध वस्तुओं, विविध आवश्यकता होती है, बराबर है। इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम विविध वस्तुओं का क्रय करते हैं। क्रय करना अर्थात हम मांग करते हैं, बराबर। हमारे जीवन में बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उस वस्तुओं को हम मांगते हैं, यानी उसको खरीदते हैं। लेकिन इन वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बराबर है। जैसे कि बाजार में क्या होता है, जिस वस्तुओं की मांग होती है उसी वस्तुओं को तैयार करना पड़ता है, बराबर है। वो तैयार करना पड़ता है, यानी कौन करता है, उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, अर्थात थोक व्यापारी को बेचते हैं, बराबर है। जैसे कि आज अपने को दुकान से कुछ लाना है, सारी चीजें लेना है, तो हम दुकानदार को पता चलता है कि ये चीजें हमें चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है, जो उत्पादक होता है, उत्पादक यानी कौन, खेत में काम करने वाला कृषि, बराबर है, किसान, वो तो किसान क्या करता है, अपने जो खेत में जो भी सारी जी चीजें है, वस्तु है, वस्तु क्या करता है, वो तो थोक व्यापारी को क्या करता है, लाके बेचता है, वो तो पूरा गोनी के गोनी है, ट्रक के ट्रक पूरा लाकर उनको देता है। यानी उनको कैसे पता चलता है, जैसे कि अपनी जो मांग है वो मांग के अनुसार जो चिल्लर व्यापारी होता है वो व्यापारी को क्या पता चलता है कि ये चीजें हमें चाहिए, तो वो उत्पादक से क्या करता है, वो चीजें लाता है, और उसके बाद इस प्रकार वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय कहा जाता है, और हम वस्तुओं को क्रय करने वाले ग्राहक होते हैं। हम कौन है, ग्राहक है, बराबर है। ग्राहक थोक चिल्लर व्यापारी, उसके बाद थोक व्यापारी, बराबर है। तो इसी प्रकार इसकी ये जो श्रृंखला है, बराबर है। जैसे कि मेन किसान है या व्यापार केंद्र है, बाजार से है, तो बाजार समिति से कौन लाता है, ये चिल्लर व्यापारी लाता है, बराबर है। और उससे हम क्या करते हैं, खरीदते, तो हम कौन हो गए, ग्राहक हो गए। उसी प्रकार वस्तुओं के उत्पादन का विक्रय करने वाला विक्रेता होता है, और वही जो विक्रेता जो बेचता है उसे विक्रेता कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये जो व्यापार की यह श्रृंखला चलती है। देखिये, ये व्यापार जो है आज की पॉलिश नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज भी क्या करते थे, इस प्रकार व्यापार करते। लेकिन पूर्वज कैसे व्यापार करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे। बात समझ में आ गए, पूर्वज क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु, चीज के बदले चीज। अगर हम श्रम करते हैं तो श्रम के बदले उनको दूध दही, अपना खेत का जो अनाज है वो अनाज देते थे। आज भी हम देखते हैं अपने घर पर, गांव में या ऐसे मुंबई में कहीं कहीं जगह हम लोगों को उसको कपड़े लेते हैं, कपड़े देते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उनसे कहीं लोग बर्तन देते हैं, कहीं लोग क्या है, गेहूं चावल बेचते हैं। ये आपको पता है, ये है तो पुराने, देखिए ये जो संकल्पना है ये अति प्राचीन काल से अस्तित्व में है, बराबर है। व्यापार ये संकल्पना अभी की नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है। देखिए ये जो प्राचीन और मध्ययुगीन काल में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से होता था। तभी देखिए प्राचीन काल में जो मध्ययुगीन काल में जो व्यापार है, व्यापार की वस्तु विनिमय माध्यम से होता था, उसमें वस्तुओं के बदले वस्तु ही लेन देन होता था, बराबर है। मैंने अभी क्या बताया आपको, प्राचीन काल से व्यापार पद्धति है, लेकिन उस समय क्या करते थे, वस्तुओं के बदले वस्तु देते, बराबर है। श्रम के बदले अनाज, अनाज के बदले तेल, नमक, शहद, दूध आदि जो पदार्थ है वो पदार्थ लेन देन होता था। इस व्यापार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है, यह मूल्य समझ में नहीं आ रहा था, बराबर है।
ये जो व्यापार है, व्यापार का जो मूल्य है, ये मूल्य अभी तय होगा। लेकिन पहले जो इस प्रकार का जो व्यापार होता था प्राचीन या मध्ययुगीन काल में, हम उनके वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले अनाज देना, ये होता था, बराबर है। लेकिन इस प्रकार जो व्यापार की जो मुद्रा है, यानी उस मूल्य, उस वस्तु की जो कीमत है, मूल्य है, ये मूल्य समझ में नहीं आता था, उसका मूल्य निर्धारित नहीं होता था। तो इसके लिए घरों में पुराने वस्त्रों के बदले बर्तन डिब्बे देने वाली व्यवसाय आज भी दिखाई देते, अभी मैंने बताया कि बराबर है ना, जो आज भी हम क्या करते हैं, कपड़े देते थे और उस कपड़े के बदले हमें कई लोग क्या करते हैं, बर्तन देते हैं, डिब्बे देते हैं। परंतु इन वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारण करने में समस्या निर्माण, देखिए मैंने क्या बोला, ये जो है वस्तु है, ये वस्तु देने में क्या होता है, उसकी जो कीमत मूल्य ने उन वस्तुओं की कीमत कितनी है, ये निर्धारण नहीं हो सकती, इसकी समस्या निर्माण होती है। प्राचीन काल में भी ऐसी समस्या निर्माण होती है और इसके उपाय के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया है। मुद्रा का प्रचलन है ना, पैसे का जो मूल्य है, ये मूल्यों की ये प्रचलन पद्धति है, पद्धति हो गई। आज हम आधुनिक युग में व्यापार मुद्रा के द्वारा होता है, परंतु आज भी हम कुछ ऐसे दुर्गम भाग है जहाँ आदिवासी जनजाति के जो लोग है या अल्प मात्रा में, आज भी अल्प अशिक्षित है, ऐसी जगह इस प्रकार के जो प्राचीन जो पद्धति है व्यापार की, वो भी अभी पद्धति पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ का पूरा मतलब ये है, ये जो व्यापार जो पद्धति है आज की नहीं है, ये बहुत ही पुरानी पद्धति है, प्राचीन काल की पद्धति है। मध्ययुग में, मध्य काल में भी क्या करते थे, व्यापार होते थे, लेकिन उस समय क्या किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु, या श्रम के बदले उसको दूध दही जो भी है, शहद है, नमक है, ये लेन देन जाता था, बराबर है। लेकिन उस लेन देन के पद्धति यानी श्रम के पद्धति जो दिया जाता था, उसका जो मूल्य है, यह मूल्य निर्धारण नहीं होता था, उसकी कीमत सही नहीं होती थी। इसके लिए जो आज के आधुनिक युग में उसमें क्या हो गया, मुद्रा का प्रचलन हो गया, यानी पैसे की कीमत से उनकी जो कीमत है, एक कीमत खोलने लगे। और आज आधुनिक युग में इस प्रकार की जो व्यापार की मुद्रा अपने यहाँ तैयार हो गई है। लेकिन इस प्रकार की जो पद्धति है, आज भी जो आदिवासी जनजाति के लोग है या दुर्गम भाग है, इस दुर्गम भाग में भी आपको क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे कि ये जो एक औरत है वह बर्तन लाया है और दूसरे जो है ये कपड़े दे रहे, यानी इसका मतलब है कि ये जो वस्तु विनिमय पद्धति, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय पद्धति यानी वस्तु के बदले वस्तु विनिमय पद्धति। इसका मतलब है वस्तु के बदले वस्तु देना। आज हम वस्तु के बदले क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मुद्रा पद्धति हो गए, बराबर है, चलन पद्धति हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति, बराबर है। वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना आना चाहिए कि प्राचीन काल में ये जो वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के या श्रम के बदले उसको दूध दही शहद या तेल, इस प्रकार के जो चीजें है, चीजें देते थे, तो उसे क्या कहते हैं, हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। आगे अगला जो है, देखिए यहाँ भी जो वस्तु है, इस वस्तु में दृश्य, देखिए ये जो पद्धति है, इस पद्धति में हम कई प्रकार के दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार, इस प्रकार की जो पद्धति है, ये पद्धति भी थी। दृश्य व्यापार यानी क्या करना है, जैसे कि जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तब उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है। ये जो सब्जी वाला है, सब्जी वाला क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, बराबर है, उसको दृश्य व्यापार कहते हैं, यानी वस्तु दे रहे हैं, बराबर है, क्या कर रहे हैं, ये वस्तु दे रहा है। उसके बाद परंतु जब सेवाओं का लेन देन होता है तब उसे अदृश्य कहा जाता है। अदृश्य किसे कहते हैं, देखिए इस प्रकार के जो डॉक्टर है,
ये डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, बराबर है। इस अदृश्य पद्धति जो दिखते है, व्यापार भी क्या है, सब्जी वाला क्या कर रहा है, वस्तु दे रहा है, बराबर है, सब्जी दे रहा है, तो दृश्य हो गया, वो हमें सामने से दिख रहा है। अदृश्य पद्धति यानी क्या, जो डॉक्टर है ये बीमारी जो है जो बीमार व्यक्ति है उसको क्या कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, लेकिन वो अपने को देख रहे क्या नहीं, लेकिन उसकी सेवा कर रहे, उसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। तो ये भी व्यापार के जो दो घटक माने गए हैं, दृश्य पद्धति और अदृश्य पद्धति। दृश्य पद्धति जो सामने से हमें आंख से दिख रहे हैं, आंखों से दिख रहा है, सब्जी वाला क्या कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, हमें आंखों से दिख रहा है, इसको दृश्य पद्धति कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर है, जो वकील है, बराबर है, ये अदृश्य है, क्योंकि वो अपनी सेवा करते हैं, बराबर है, अपनी सेवा करते हैं, लेकिन अपने को दिखता है क्या, नहीं दिखता है, उसे अदृश्य पद्धति या अदृश्य व्यापार करते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो व्यापार है, इस व्यापार की जो संकल्पना है, ये संकल्पना बहुत पुरानी है, ये आपको मैंने बताया। देखिए, ये जो व्यापार है, एक व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, बराबर है। समाज के लोग आज आर्थिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी देश अथवा प्रदेश अपने परिपूर्ण नहीं होता है, लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए दो देशों के बीच आपको क्या करना पड़ता है, व्यापार की आवश्यकता होती है, व्यापार करना पड़ता है, बराबर है। तो कई प्रकार की वस्तुओं की हम क्या करते हैं, दूसरे देश से मांगते हैं, कई प्रकार की वस्तु हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो आपको ये जो व्यापार पद्धति, ये अपने मैंने आपको बताया कि यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखिए, वस्तु की मांग के अनुसार वस्तुओं का नग संख्या, इसमें क्या है, थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार, बराबर है। थोक व्यापार को मैंने, थोक व्यापार के बारे में आपको बताया कि थोक व्यापार कौन होते है, जैसे कि अभी फिर वापस से बता रहा हूँ, जो बाजार समिति है, बड़े बड़े स्मॉल वाले होते हैं, मॉल वाले होते हैं, यहाँ कई प्रकार के जो लोग होते हैं, जो व्यापार का जो केंद्र बनाते हैं, वो उसको थोक व्यापारी, और थोक व्यापारी के बाद जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उसे चिल्लर व्यापार कहते हैं। वो थोक व्यापार से क्या करता है, माल लाकर अपनी दुकान में लगाता है, और उसको क्या कहते हैं, हम चिल्लर व्यापार करते हैं। और चिल्लर व्यापार के बाद जब हम उस दुकान से जब माल खरीदते हैं, हमको क्या कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, बराबर है। तो इसी प्रकार ये जो पद्धति है, देखिये, इस प्रकार ये जो पद्धति है, इस पद्धति में आपको यहाँ दिया है, और बार एक बार बता देता हूँ, वस्तुओं की संख्या के अनुसार थोक व्यापार तथा चिल्लर व्यापार ऐसे दो प्रकार किए हैं। बड़े व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदते हैं, और उत्पादक उसे सीधे यह खबरदारी की जाती है कि खरीद हुए माल को चिल्लर व्यापारी से विक्रय किया जाता है, और इस समय होने वाले व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है, बराबर है। जो थोक व्यापारी कौन है, कारखानदार, कृषक आदि जो है, आदि से ये थोक व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं, और वो क्या करता है, जैसे कि आपको पता है, आम है, संतरा है, ये कहाँ से लाते हम, जो किसान है या बगान है, ये बगान वाले क्या करते, जो बगान के जो मालिक है, वो मालिक थोक व्यापारी क्या करते, पूरे माल को खरीद कर यहाँ लाते हैं, बराबर है ना, उसको थोक व्यापार करते हैं। जैसे कि जो कारखानदार है, कृषक है या किसान है, बराबर है, अपने बगीचा का जो आम है, पेड़ है, बराबर है, संतरी है, अनार है, बराबर है, द्राक्ष है, अंगूर है, ये सारे जो चीजें है, वो थोक व्यापारी क्या करता है, वहां से खरीद कर लाता है, बराबर है, और लाकर वो क्या करता है, चिल्लर व्यापारी को विक्री करता है, चिल्लर व्यापारी को बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम थोक व्यापार कहते हैं। उसके बाद चिल्लर व्यापारी किसे कहते हैं, देखिए, बड़े थोक व्यापारी से माल खरीदकर सीधे उपभोक्ता को वस्तुओं को बेची जाते, इसे चिल्लर व्यापार कहते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जो चिल्लर व्यापारी क्या होता है, जो बड़े व्यापारी होता है, उससे लाकर वो जो क्या करता है, जो ग्राहक होते हैं, बराबर है, जो ग्राहक होते हैं, इस ग्राहकों को क्या करता है, बेचता है, उसे चिल्लर व्यापार कहते हैं।
इसमें से वस्तुओं की मात्रा कम होती है, बराबर है। तो व्यापारी से क्या करता है, पूरे गोनी, दो गोनी, चार गोनी, गाड़ी भर के क्या करता है, वह व्यापारी लाता है। लेकिन चिल्लर व्यापारी जो होता है उसका जो माल का जो ये होता है मात्रा होती है, वस्तु की मात्रा होती है, ये मात्रा कम होती है। जैसे कि आपको पता है हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो कितना है, आधा पाव किलो, बराबर है, ज्यादा ज्यादा भी लाते हैं। लेकिन थोक व्यापारी क्या करते हैं, 10-10 किलो, 20-20 किलो लाते हैं, कई गोनी भर के लाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें वस्तुओं की मात्रा कम होती है और जिसे चिल्लर विक्रय होने लगे, दुकानदार बगीचा सब्जियों को विक्रेता आदि होते हैं। तो इसी प्रकार ये जो है ये चिल्लर व्यापारी के बारे में आपको जानकारी बता दिया, बराबर है। देखिए अभी मैंने आपको ये दो चीजें बताया, बराबर है। थोक व्यापारी किसे कहते हैं, उसके बाद व्यापार किसे कहते हैं, दृश्य व्यापार, उसके बाद प्राचीन काल की जो पद्धति है ये भी आपको मैंने बताया, उसके व्यापार किसे कहते हैं, उत्पादक ग्राहक, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। उसके बाद व्यापार की मांग कभी होते है, जब ग्राहक जो होता है उसकी मांग जब होती है तभी जो थोक व्यापारी क्या करता है, उसको मांग को खरीदता है। तो इस प्रकार ये जो पद्धति है, पद्धति का मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए जो व्यापार है, इस व्यापार में प्रदेश के क्षेत्र विस्तार के अनुसार जो व्यापार है का जो अध्ययन है, ये अध्ययन हमें करना है। क्षेत्र के विस्तार के अनुसार ये जो व्यापार पद्धति, क्षेत्र के विस्तार के अनुसार व्यापार पद्धति किसे कहते हैं, जैसे कि हम व्यापार के इसके दो पद्धति है, एक देशांतर्गत व्यापार पद्धति और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति, बराबर है। देशांतर्गत व्यापार पद्धति यानी एक ही देश के विभिन्न प्रदेश में जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, हम देशांतर्गत व्यापार कहते हैं, बराबर है। मैंने क्या बताया है, एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच होने वाले व्यापार को देशांतर्गत व्यापार कहते हैं, बराबर है। तो आपको इसकी जो सारा जो विस्तार है अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अपने भारत देश में बहुत बहुत ही अपना देश जो क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा है और हर एक प्रदेश की जो संख्या है वो तो संख्या अलग अलग है और हर प्रदेश में यानी हर राज्य में एक ही प्रकार सभी एक ही प्रकार का जो वस्तु निर्माण नहीं होते हैं। तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य, बराबर है, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करते हैं, हम कहीं वस्तुओं को लेन देन करते हैं, बराबर है। यानी आपने एक ही देश में, अपने देश में बहुत सारे राज्य है, बराबर है। अभी 28 राज्य है लेकिन 28 राज्य में सब जगह सब चीजें उत्पादन नहीं होता है, बराबर है। कहीं जगह में ज्यादा उत्पादन होता है तो कहीं जगह में उत्पादन कम होता है। जहाँ उत्पादन कम है वहां ज्यादा उत्पादन जहाँ हुआ है वहां से हम कहते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, आलू है, बराबर है। गेहूं का उत्पादन कहाँ, पंजाब में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बराबर है। लेकिन महाराष्ट्र में उत्पादन कम होता है तो हम क्या करते हैं, राजस्थान है या पंजाब है, बराबर है। तो उससे क्या करते हैं, हम गेहूं को क्या करते लाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या उत्पादन ज्यादा होता है, ज्वार है, बराबर है, अनार है, बराबर है, अंगूर है। तो ऐसे जो चीजें है ये चीजें उस प्रदेश में यानी उस राज्य को हम क्या करते देते, यानी इसका मतलब है देशांतर व्यापार किसे कहते हैं, एक ही देश के अंदर जो होने वाला व्यापार है, एक ही देश के अंदर जो होने वाले व्यापार है उसे देशांतर व्यापार कहते हैं। एक ही देश के विभिन्न प्रदेश के बीच होने वाले ये व्यापार होता है। देश का क्षेत्रफल, संसाधन की उपलब्धता, विविधता, वितरण, इनका जो परिणाम है वो आंतरिक व्यापार के ऊपर होता है। देखिए देशांतर व्यापार पर जो ये सारी जो पद्धति है, ये संसाधन है, वितरण है, क्षेत्रफल है, इसका जो पूरा जो परिणाम है, ये परिणाम होता है जैसे कि जनसंख्या का परिणाम होता है, यातायात का, संचार माध्यम की सुविधा, लोगों के रहन सहन, विपणन पद्धति, इनका भी परिणाम देशांतर व्यापार पर होता है। लेकिन व्यापार किसे कहते हैं, हम ये देखा, बराबर है। लेकिन इस पर किसका किसका परिणाम प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है, ये भी हमें देखना पड़ता है।
देखिए इसमें इसका भी हमें क्या करना है, देखना है। जैसे कि जो व्यापार होता है देशांतर का, इसमें जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है, यातायात या दूर संचार के माध्यम की जो सुविधा है या रहन-सहन, लोगों के रहन-सहन, वहाँ की पद्धति, इस प्रकार ये जो व्यापार है, इस देशांतर व्यापार क्या होता है, परिणाम पड़ता है। भारत में भौगोलिक घटकों की विविधता और आधुनिक जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में देशांतर व्यापार होता है। ये आपको पता है, जो भारत है, भारत में आज जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो पूरे देश में ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का अगर ये करते हैं तो आज हमारा पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये भी व्यापार के अंतर्गत उसका एक परिणाम है, वो भी देखने के लिए मिलता है। तो जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में देशांतर व्यापार होता है और देशांतर व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। देखिए ये सब किधर आ गया, आपने देश के विकास के ऊपर आ गया। तो विकास के कैसे होता है, देशांतर्गत जो व्यापार होता है उस व्यापार से, व्यापार का ही अपने देश में क्या होता है, प्रभाव होता है। तो व्यापार भी अधिक होता है और आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में ही धनात्मक पद्धति होती है। ये हो गया अभी देशांतरित व्यापार हो गया, बराबर है। तो अभी दूसरा जो आप बता रहा हूँ वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, एक देश से दूसरे देश, यानी भारत से इंग्लैंड, भारत से अमेरिका, या इंग्लैंड से भारत, या सिंगापुर से भारत, यानी एक देश से दूसरे देश में होने वाले वस्तु या सेवाओं का जो विनिमय है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ये समझ में आ गया बच्चे? देखिए इसमें मैंने क्या बोला है, एक देश से दूसरे देशों को जो वस्तु या सेवाओं को हम देते या विनिमय होता है उसे देशांतर्गत व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है और वो उत्पादन मांग करने वाले देशों के बीच होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ होता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है, तो उसे द्विपक्षीय व्यापार भी कहा जाता है, बराबर है। जैसे द्विपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। द्विपक्षीय व्यापार यानी दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, या बहुपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक देशों के साथ। देखिए दो या दो से अधिक जो देश होते हैं या जो कंट्री है, इन कंट्री के साथ जो व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति किसे कहते हैं और उसके प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और उसके प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, एक या एक से अनेक, या नहीं सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे, एक देश से दूसरे देश में जो होने वाला वस्तु या सेवाओं का विनिमय उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, बराबर है। एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले वस्तु या सेवाओं को जो विनिमय होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, बराबर है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी होता है, जिस प्रदेश में अत्यधिक उत्पादन हुआ जो वस्तु है उसकी मांग करते हैं, तभी यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, बराबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दूसरा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है, द्विपक्षीय व्यापार है, बहुपक्षीय व्यापार है। द्विपक्षीय व्यापार यानी दो देशों के बीच होने वाले जो व्यापार पद्धति है उसे दो पक्षीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, बराबर है। उसके बाद बहुपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जो देश है इन देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुव्यापार पद्धति कहते हैं। कुछ देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और जैसे कि सऊदी अरबी है,
कुवैत है, ये जो क्या है पास हम क्या करते हैं, जो तेल खनिज तेल है इन खनिज तेलों को क्या करते हैं लेते हैं, बराबर है। संयुक्त राज्य में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है तो हम क्या करते हैं गेहूं का उत्पादन करते हैं। आज हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल प्रदूषण है तो कहाँ से आता है, जो जैसे सऊदी अरबिया है, कुवैत है, ऐसे जो देश है उस देश से हम क्या करते हैं खनिज की जो तेल है, खनिज तेल, खनिज तेल यानी कैसे कोयला है, मान लीजिए कि पेट्रोल है, डीजल है, ऐसी ये सारी चीजें है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसी देश से मंगाते हैं। और जैसे कि संयुक्त राज्य में गेहूं का उत्पादन ज्यादा है तो गेहूं का उत्पादन हम लाते हैं। तो इस प्रकार जो व्यापार है, इस व्यापार के पद्धति हमने जो देखा प्रदेश के अनुसार, एक स्थानीय या स्थानीय व्यापार उसे देशांतर का व्यापार कहते हैं, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के व्यापार। तो इस प्रकार ये दो व्यापार पद्धति का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमें आयात और निर्यात, ठीक है, आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। आयात को क्या कहते हैं हम इम्पोर्ट, और निर्यात को क्या कहते हैं एक्सपोर्ट। आयात यानी दूसरे देश से, बराबर है, वस्तुओं को लेना या वस्तुओं को खरीदना। बात समझ में आ गया कि आयात यानी क्या है, दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदना, उसे आयात कहते हैं। आयात और निर्यात राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। जब कोई देश किसी देश से वस्तुओं की या सेवाओं को खरीद कर अपने देश में लाता है उस क्रिया को आयात कहते हैं। आयात यानी इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इम्पोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जब देश से हम वस्तुओं को क्या करते खरीदते हैं और खरीद कर अपने देश में लाते हैं उसे आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं, जब कोई देश अपने पास होने वाले अधिक उत्पादन को आवश्यकता होने वाले देश को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, उस क्रिया को निर्यात करते एक्सपोर्ट कहते हैं, बराबर है। तो इसकी सादी परिभाषा बताता हूँ, दूसरे देश से जो हम माल या वस्तु को लाते हैं उसे आयात कहते हैं, और अपने पास जो वस्तु है या जो सेवा है हम दूसरे देश को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, हम निर्यात कहते हैं। ये सादी सरल परिभाषा इनकी, ये आपको पता चला गया अभी, निर्यात किसे कहते हैं और आयात किसे कहते हैं। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है, ये लास्ट का पॉइंट आपको, ये संतुलन पद्धति कहते हैं। संतुलन पद्धति ने क्या, संतुलन पद्धति ने किसी देश के विशिष्ट कालावधि में, किसी देश के विशिष्ट कालावधि में होने वाले आयात और निर्यात के मूल्यों के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। देखिए संतुलन व्यापार किसे कहते हैं, आयात और निर्यात की जो मूल्य है इस मूल्य के अंतर को संतुलित व्यापार कहते हैं। तो संतुलित व्यापार के तीन प्रकार है, एक है प्रतिकूल व्यापार पद्धति, दूसरा अनुकूल व्यापार पद्धति, और तीसरा है, तीसरी जो पद्धति है संतुलित व्यापार पद्धति। देखिए बराबर है, देखिए हम यहाँ चित्र से आपको पता चलता है, आकृति के आकृति से आयात और निर्यात, जहाँ आयात का मूल्य अधिक होता है, जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अपेक्षा अधिक होता है, यानी आयात का मूल्य ज्यादा है और निर्यात का मूल्य कम है, यानी इसका मतलब क्या है, जो हम चीजें खरीद रहे हैं दूसरे देश से उसका मूल्य क्या है, ज्यादा है, लेकिन हम जो चीजें बेच रहे हैं उनको तो कम है, तो हमारा प्रतिकूल क्या होगा है व्यापार पद्धति। जब आयात का मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, देखिए सॉरी, जो आयात मूल्य है, आयात मूल्य ने जो हम चीजें खरीद रहे हैं उसका मूल्य कम है, बराबर है, और जो चीजें हम बेच रहे हैं उसका मूल्य अधिक है, उसकी जो कीमत है वो कीमत कैसे अधिक है, जो खरीद रहे हैं उसका जो कीमत कम है, जो बेच रहे हैं उसका मूल्य अधिक है, तो उस पद्धति को प्रतिकूल व्यापार पद्धति कहते हैं। यानी यह चित्र जो दिख रहा है 9.3 में, जो आयात है आयात का मूल्य अधिक है, निर्यात का मूल्य
आयात का मूल्य कम है और निर्यात का मूल्य अधिक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिकूल पद्धति कहते हैं। आयात ने लाने का, देश से मंगाने का, उसका मूल्य कम है, लेकिन अपनी ओर से जो चीजें हम उनको बेच रहे हैं उसका मूल्य अधिक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। दूसरा है अनुकूल व्यापार पद्धति, यानी क्या है, अपना जो मूल्य है हम जो भी चीजें बेच रहे हैं उनको दे रहे निर्यात कर रहे उसका मूल्य क्या है, अधिक है, लेकिन अपना जो मूल्य है कम है, बराबर है, तो उसको अनुकूल व्यापार पद्धति कहते हैं, बराबर है। ये दूसरी आकृति 9.3 में आकृति में क्या दिख रहा है, जो पद्धति है उसमें अनुकूल व्यापार पद्धति, इसका मतलब है क्या है, जो चीज हम उनको दे रहे हैं निर्यात कर रहे हैं उसका मूल्य क्या है, अधिक है, लेकिन अपना मूल्य कैसा है, जो आयात कर रहे हैं उसका मूल्य, हम इसको अनुकूल पद्धति कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है संतुलित व्यापार किसे कहते हैं, आयात और निर्यात का जो दोनों का मूल्य एक समान है, न घाटा है न नफा है, न घाटा है न नफा है, तो इस प्रकार की जो पद्धति दोनों एक समान है उसको संतुलित व्यापार पद्धति कहते हैं। इसी प्रकार इस पाठ में आपको ये जो व्यापार पद्धति के जो चित्र है, ये उनके व्यापार मुख्यालय के जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है और एशियन मुख्यालय, ये इसका जो ये चित्र है, ये दोनों चित्र है। तो इसी प्रकार जो बच्चे आज अपना जो पाठ है, ये पाठ अपना इधर खत्म हो गया है, अपना जो आज का जो ये था रेड का। तो बच्चों बताइए, किसी को अगर कुछ पूछना है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठोस बाजार केंद्र किसे कहते हैं? थोक बाजार केंद्र किसे कहते हैं, बराबर है। थोक बाजार यानी ये देखो आपको मैंने क्या बताया, हाँ थोक व्यापार यानी जो जैसे कि बड़े बड़े जो कारखानदार होते हैं, बराबर है, किसान होते हैं, वो किसान से डायरेक्ट पूरी तरह से गोनी भर के ट्रक भर के ये जो मॉल वाले होते हैं, हाँ जो बाजार समिति होते हैं, वो क्या करते हैं उससे लाते हैं, बराबर है, और उसको थोक व्यापार कहते हैं। व्यापार थोक व्यापार की एक पद्धति कहते हैं जो मॉल वाले हैं, बराबर है, या बाजार समिति है, या आपको पता है कि जैसे कि एक सादा उदाहरण लेने आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि वाशी का मार्केट है, उस वाशी मार्केट में जो बाजार समिति है वहाँ की क्या होता है, पूरे सभी जगह का माल आता है, वो थोक व्यापार हो गया। जैसे दादर में भी आप देखते हैं वैसे बहुत बहुत गाड़ी आती है, और वहां से फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार है वो दुकानदार लेकर, थोक व्यापार यानी किसान से डायरेक्ट माल लाकर एक जगह जैसे कि बाजार समिति मॉल वाले है तो क्या करते हैं, ला के रखते हैं, फिर वहां से भी छोटे छोटे दुकानदार है वहां लेके देते हैं। ओके, ये थोक व्यापार कहते हैं। ओके हेलो हेलो हेलो, और किसी कुछ पूछना है, और किसी कुछ पूछना है क्या? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो सर। चिल्लर व्यापार किसे कहते हैं? हाँ, चिल्लर व्यापार किसे कहते हैं, बराबर है। चिल्लर व्यापार यानी जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, बराबर है, जैसे मॉल वाले है, वहां से लोग अपना छोटा गली में लाकर दुकान लगाते हैं, बराबर है, और वहां से हम क्या करते हैं, सब्जियां लाते हैं, या दुकान में किरान दुकान में जाकर हम क्या करते हैं, आधा किलो पाव किलो जो सब्जी या जो भी दाल बिल लाते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उसे चिल्लर व्यापार कहते हैं, बराबर है। यस सर, समझ में आ गया क्या, चिल्लर व्यापार किसे कहते हैं, जैसे कि आपने गली में छोटा सा दुकान है, वो दुकानदार क्या करता है, थोक व्यापार से माल लगकर अपनी दुकान में रखता है, और वहां से हम क्या करते हैं, लाते हैं, जो अपने गली में जो व्यापार हम गली में जाकर दुकान से जो चीजें खरीदते हैं उससे हम उसे ही चिल्लर व्यापार करते हैं,
यस सर। सर व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? व्यापार की देखो आपको, मगर देखो यहाँ आपको व्यापार के, आपने यहाँ अगर देखे थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार, ये दो प्रकार हो गए, बराबर है। उसके बाद आपने आपने वस्तुओं की या वस्तुओं की गन्ने अपने जगह अपने देश के अंदर, लेकिन ऐसे देखेंगे तो व्यापार प्रदेश के अनुसार अगर देखेंगे उसके दो पद्धति प्रकार है, देशांतर प्रकार है और देशांतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये दो प्रकार है, बराबर है। तो व्यापार की जो है व्यापार के वैसे पूरे प्रदेश के अनुसार देखेंगे दो ही है, एक देशांतर व्यापार और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये दो पर प्रकार है। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ, और किसी कुछ पूछना है? हेलो हेलो बच्चों, देखिए आज हम व्यापार जो पद्धति है इसका जो अध्ययन है हम संतुलित व्यापार से किए, फिर इसके जो भी क्वेश्चंस है हाँ और उसके जो आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको मैंने जो बताया कि पद्धति है उसकी परिभाषा है, ये परिभाषा थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपकी परिभाषा के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के दिन आपका ये जो पाठ है यहाँ खत्म हो गया है, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।